हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सभी का ऑल इन वन विद रश्मि में। दोस्तों, परसों जन्माष्टमी आने वाली है और मैंने कल आपके साथ में एक ओल्ड वुडन स्विंग का DIY डेकोरेशन वाला वीडियो शेयर किया था और आज भी मैं आपके साथ में कुछ ऐसे ही DIY क्राफ्ट आइडियाज़ लेकर आई हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो DIY आइटम्स हम आज बनाने वाले हैं, ये जन्माष्टमी स्पेशल होने के साथ साथ आप दूसरे फेस्टिवल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट DIY है ये स्टील की थाली से पूजा की थाली बनाना। तो इस थाली को डेकोरेट करने के लिए मेरे पास में एक ये क्लॉथ है और इस क्लॉथ को अब हम इस थाली पर अच्छी तरीके से प्लेस कर देंगे। तो ये एक जो फेविकॉल है, वाटरप्रूफ फेविकॉल, इसको मैं अच्छी तरीके से इवनली स्प्रेड कर दूंगी इस थाली पर, देन इस क्लॉथ को अच्छे से प्लेस कर दूंगी। फेविकॉल को मैंने अच्छी तरीके से लगा लिया है और अब इस क्लॉथ को हम इस थाली पर अच्छे से प्लेस कर देंगे। कॉर्नर्स में अच्छी तरीके से दबाना है हमको क्लॉथ को। देन बैक में हम इस तरीके से कट कर मार लेंगे क्लॉथ पर। पूरी तरीके से कट कर लेंगे और अगेन फेविकॉल लगाकर हम पूरे क्लॉथ को इस पर चिपका देंगे। तो दोस्तों, क्लॉथ प्लेस करने के बाद में थाली कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो मेरे पास में ये जो एक गोटा लेस या गोल्डन लेस जिसे हम कह सकते हैं, इसे मैं फिर से थाली के पूरे राउंड में अच्छी तरीके से फेविकॉल से लगा लूंगी। तो दोस्तों, ये गोल्डन रिबन को मैंने थाली पर राउंड में अच्छी तरीके से लगा दिया है और अब हम इस लेस से कुछ थाली का डेकोरेशन करेंगे। तो दोस्तों, पूजा की थाली बनकर तैयार हो चुकी है और इसमें हम दिया और ये इस तरीके से कटोरियां रख सकते हैं। नेक्स्ट DIY देखते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास में एक बांसुरी रखी हुई है, तो चलिए इसको हम डेकोरेट करते हैं। जिसके लिए ये एक इस टाइप से एक रिबन लिया हुआ है मैंने। तो बांसुरी पर फेविकॉल को हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और इस गोल्डन रिबन को हम इस बांसुरी के राउंड में इस टाइप से रैप करना शुरू करेंगे। दोस्तों, बांसुरी पर रिबन तो रैप कर दिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ पोर्शन रेस्ट है। तो इस टाइप के जो सेलो टेप आते हैं, इस सेलो टेप को हम बांसुरी के बचे वाले पोर्शन पर रैप कर देंगे। तो यहीं से शुरुआत करना है हमें। अब हम इस मोर पंख को बांसुरी के एक कॉर्नर पर सेलो टेप से लगा देंगे। तो बढ़ते हैं थर्ड DIY की ओर। और मेरे पास में ये एक मिट्टी का मटका है छोटा सा, तो इसको डेकोरेट करके हम बाल गोपाल की हांडी बनाएंगे। तो चलिए इसको डेकोरेट करना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये फेविक्रिल का व्हाइट एक्रेलिक कलर इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे और उसको सूखने के बाद में हम इस पर रेड कलर से पेंट कर देंगे। दोस्तों, मटकी पर व्हाइट एक्रेलिक कलर अच्छे से अप्लाई करा हुआ है और ये ड्राई हो चुका है, तो अब हम रेड कलर से पेंट करना शुरू करेंगे।
व्हाइट कलर इसलिए अप्लाई किया था ताकि अगर बेस अच्छा रहता है तो दूसरा कलर उस पर हम अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो रेड कलर अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और मेरे पास में ये एक देखिए बहुत ही सुंदर सी छोटे छोटे डायमंड नग वाली ये गोल्डन लेस है, तो इसको हम यहाँ पर इस प्रकार राउंड में लगा देंगे। अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रेस कर देंगे। देन दोस्तों ये गोल्डन कलर के नग है तो इसको हम यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से लगाना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों ये जो गोल्डन वाले क्रिस्टल है इसको मैं रेंडमली इस मटकी पर लगा दूंगी। दोस्तों जन्माष्टमी स्पेशल सभी DIY आइटम्स बनकर तैयार हो चुके हैं। बाल गोपाल की दही हांडी और ये लड्डू गोपाल की मुरली, उसके बाद में पूजा की थाली। तो ये सभी DIY बहुत ही इजी और क्विक DIYs है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।